क्लास 7 मैथमेटिक्स इंटीजर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। इन्हें मैजिक स्क्वायर, अगर किसी भी स्क्वायर को अगर मैजिक स्क्वायर होना है, ये जैसे हमने बना रखा है, ये मैजिक स्क्वायर कब होगा? जब इसके रो, कॉलम और डायगोनल, रो यानी आप देखेंगे ये इसके रो हो गए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये इसके कॉलम हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और उसके बाद डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जब हम कोई स्क्वायर बनाते हैं तो ये उसका क्या होता है? डायगोनल। ये दोनों उसके क्या होते हैं? डायगोनल। तो ये इसका डायगोनल 5 -2 -3 और -4 -2 और 0, ये इसके डायगोनल। इनको हम जब सम करेंगे, सम यानी प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनका सम क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा स्क्वायर है? मैजिक स्क्वायर है। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले रॉ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रॉ को चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रॉ को चेक करेंगे। फर्स्ट रॉ है 5 +-1 +-4। तो 5 + -, क्या हो जाएगा? -1 + -, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5 -1 4, 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। तो ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो हम चेक करेंगे, -5 + -2 + 7, -5 + -2 + 7। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। और दोनों माइनस के, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस, फिर प्लस का 7। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7 में से 7 माइनस किया तो 0। फिर हम थर्ड रो चेक करेंगे, थर्ड रो चेक करेंगे, 0 + 3 + -3, 0 + 3 + -3। तो 0 + 3 + -3 आ जाएगा। 0 + 3 तो 3 होता है, 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। तो हम क्या देख रहे हैं? सारे रोस के सम, यानी सारे रोस को हमने प्लस किया तो आंसर सेम आया, लेकिन अभी भी हम इसको मैजिक नहीं बोल सकते। अब हमें क्या चेक करना है? कॉलम। अब हम चेक करेंगे कॉलम नंबर 1, ये 5 + क्या है? -5 + 0। तो 5 + - क्या होता है? माइनस, प्लस 0। तो 5 में से 5 गया तो 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड कॉलम चेक करेंगे, -1 + -2 + 3, -1 + - क्या होता है? माइनस। तो -2 + 3, -, तो 2 और 1 3, दोनों माइनस के, इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस। प्लस का 3, +- -, 3 में से 3 गया तो 0। तो ये भी 0। अब हम थर्ड रो चेक करेंगे, थर्ड कॉलम चेक करेंगे, -4 + 7 + -3। तो -4 + 7, +- क्या होता है? माइनस। तो 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन 7 बिगर नंबर है, प्लस साइन है, इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा। +- -3, 3 में से 3 गए, 0। सारे कॉलम भी क्या हो गए? 0 हो गए। तो भी अभी हम इसको क्या नहीं बोल सकते? मैजिक स्क्वायर नहीं बोल सकते। अब हमें क्या चेक करना है? डायगोनल। अब दो डायगोनल होते हैं, अगर ये भी इक्वल आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैजिक स्क्वायर। तो पहला डायगोनल है 5 + -2 5 - 2 + -3। तो 5 + - क्या होगा? माइनस। तो -2 + - क्या होगा? माइनस। -3, 5 में से 2 गया तो 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब फर्स्ट डायगोनल भी इसका क्या हो गया? 0 हो गया। अब हमें चेक करना है सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल है -4, ये रहा देखो, -4 + -2 + 0।
तो -4 प्लस माइनस क्या होता है, -2 प्लस 0, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों माइनस के इसलिए क्या लग जाएगा माइनस प्लस 0। अब -6 प्लस 0 क्या होगा, किसी को भी 0 के साथ करेंगे तो वही नंबर आता है, तो -6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है वैसे भी, 6 में से 0 गया तो 6 और बिगर नंबर 6 है इसलिए क्या लग जाएगा माइनस, पर हम देख रहे हैं सब 0 आ गया लेकिन सेकेंड डायगोनल क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो क्या ये मैजिक स्क्वायर है क्या, तो क्या होगा आंसर, नो इट इज नॉट एन मैजिक स्क्वायर, इसीलिए ये क्या नहीं है मैजिक स्क्वायर नहीं है। हमने सब चेक किए, तीनों रो फिर तीनों कॉलम, थ्री कॉलम फिर दो डायगोनल, यहाँ तक सब 0 आए लेकिन लास्ट डायगोनल क्या आया, माइनस का 6 आ गया, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या नहीं है मैजिक स्क्वायर नहीं है। ये नेक्स्ट मैजिक स्क्वायर है, हमें इसे भी चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो हम शुरू करेंगे वापस किससे, रॉ से शुरू करेंगे, रॉ को चेक करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट रॉ, तो फर्स्ट रॉ में हम देख रहे हैं फर्स्ट क्या है, 1 फिर प्लस माइनस का 10 प्लस 0, 1 प्लस माइनस क्या होता है -10 प्लस क्या हो जाएगा 0। अब इनमें देखेंगे हम प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 9, लेकिन 10 बिगर नंबर है उसके आगे माइनस है तो माइनस प्लस 0, तो 0 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 9। फर्स्ट रो चेक कर लिया, सेकेंड रो चेक करेंगे, -4 प्लस -3 प्लस -2, ये सेकेंड रो है, -4 -3 और -2, -4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस का 3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, लेकिन दोनों माइनस के इसलिए क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस का 2, माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, दोनों के आगे माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो सेकेंड वाले का भी आंसर क्या आ गया -9। अब हम थर्ड रो चेक करेंगे, थर्ड रो में आप देखो पहले है -6 फिर प्लस 4 फिर है प्लस माइनस का 7, तो -6 प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो गया -7। अब पहले देखेंगे हम प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, और 6 बिगर नंबर है आगे माइनस लग रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा, -7 हो जाएगा, फिर देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, और दोनों माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का साइन। तो हमने क्या देखा, रो के तीनों तीनों रो का जो सम है वो क्या आ गया -9। अब हम चेक करेंगे कॉलम, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे, 1 प्लस -4 प्लस -6, देखो 1 प्लस -4 प्लस -6, 1 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -6, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 1 गया तो सिंपल, 4 में से 1 गया तो 3, लेकिन 4 बिगर नंबर है यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 6 हो जाएगा 9, दोनों माइनस के इसलिए क्या लग जाएगा माइनस। सेकेंड कॉलम चेक करेंगे, सेकेंड कॉलम देखो -10 प्लस -3 प्लस 4, ये -10 -3 और 4, तो -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, और दोनों माइनस के इसलिए क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, फिर प्लस 4 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 13 में से 4 जाएगा तो 9, लेकिन बिगर नंबर माइनस का इसलिए क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो दोनों कॉलम में भी अभी तक क्या आ गया -9 आ गया है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में हमारा ये -6 प्लस 4 प्लस -7, तो -6 प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो गया -6 प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो गया -7। अब इधर हम देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है,
माइनस, तो सिक्स में से फोर गया तो टू आ जाएगा, लेकिन बिगर नंबर क्या है, माइनस का है तो माइनस लग जाएगा, माइनस सेवन। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सेवन और टू क्या हो जाएगा, नाइन, और दोनों माइनस के, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस साइन। उसके बाद अब हमने देखा कि सारे कॉलम भी माइनस नाइन आ गए, अब बच क्या रहा है, डायगोनल। तो हम दो डायगोनल को चेक करेंगे। सबसे पहला डायगोनल है वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सेवन, यानी वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सेवन, तो वन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो थ्री में से वन गया तो टू, लेकिन थ्री बिगर नंबर है इसलिए माइनस लग जाएगा, माइनस का सेवन, माइनस माइनस प्लस, सेवन और टू क्या हो जाएगा, नाइन, दोनों माइनस के, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस का नाइन। सेकेंड डायगोनल जीरो प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, तो ज़ीरो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ज़ीरो में से थ्री जाएगा तो थ्री आएगा, लेकिन थ्री बिगर नंबर है इसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर माइनस का सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स और थ्री नाइन, और दोनों माइनस के, इसलिए माइनस लग जाएगा। और अब क्या देख रहे हैं, दोनों डायगोनल भी माइनस नाइन, यानी सारे रॉ माइनस नाइन, सारे कॉलम भी माइनस नाइन, और दोनों डायगोनल भी क्या हो गए, माइनस नाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है, और ये आपके एडिशन और सप्रेक्शन जो हमने इंटीजर्स के पढ़े थे उनकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसमें आपने सीखा सारे एडिशन और सप्रेक्शन करके कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसके रो, कॉलम और डायगोनल का सम क्या होता है, सेम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।